अस्सलामुअलैकुम जी। वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूँ जिशान। तो आज बहुत ही मजे वाला व्लॉग होने वाला है, ये आप चेक करें जरा। आए हाय 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 हाय, ये एक काइट्स, ये दूसरी काइट्स, ये चेक करो भाई। आए हाय 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 हाय, क्या बात है बोनस। आज काफ़ी ज़्यादा ना काइट्स वगैरह उड़ रही थी, तो हमने सोचा कि यार आज व्लॉग शूट कर लेते हैं। जैसे ही हम छत के ऊपर आए हैं, तो हमें एक बड़ा ही लेवल का आपको मैं सीन दिखाता हूँ, शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। चेक करें, ओ सामने नीचे चेक करें, बरात जा रही है। ठीक है, तो हम ना आए हैं छत के ऊपर काइट्स वगैरह उड़ाने, तो फिर काइट्स वगैरह उड़ाते हैं, आपको दिखाते हैं पेचे शेचे आज फुल मज़े से होने हैं। ये चेक करो ज़रा, हाय 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 हाय, ये चेक करो ज़रा। अब काइट्स वगैरह हम उड़ाने लगे हैं। ठीक है, आपने इस व्लॉग को एंड तक देखना, कहीं से स्किप नहीं करना। ठीक है, तो आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है इस व्लॉग के अंदर। तो फिर उड़ाते हैं, तो आप देखें ज़रा। A few inches later, हो रही थी गाड़ी। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम काइट्स को ना उड़ाने लगे हैं। ये पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है इसके ऊपर, तो आज हम ये वाली काइट उड़ाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, चेक करें, बड़ा ही लेवल का मज़े का सीन है। अब हम इसको उड़ाने लगे हैं। ठीक है, तो पेचे शेचे हमने इस बार फुल लगाने हैं। ठीक है, ये चेक करें, अभी उड़ाते हैं इसको। ये देखिए ज़रा, इसकी तरह में वगैरह सेट कर रहे हैं काइट की, तो काइट को उड़ाना है। तो आपको फुल मज़ा आने वाला है इस व्लॉग के अंदर। आई पेचे शेचे फुल होने हैं, फुल चिल मज़ा लो यार। ये चेक करें, इसकी तरह में थोड़ा ठीक कर लें हम। ठीक है, तो अभी ना काइट्स को उठाना है, ये चेक करना। पीछे बड़े मज़े के लेवल के होने Two hours later. तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, शाम बहुत ज़्यादा हो गई है, तो पेचा बड़ी ऊपर गया हुआ था। तो अब मैं काइट्स को जो ना नीचे उतार रहा हूँ, मेरे तरफ करो, काइट को मैं नीचे उतार रहा हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं, बड़ी दूर गया हुआ था, अब लेके आ रहा हूँ इसको नीचे मैं। ठीक है, शाम बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब चलते हैं नीचे। तो फिर अब कोई और सीन पॉइंट आपको दिखाते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, ये आ गई हमारी काइट। 10-12 गुड्डे मैंने काटे हैं, तो फिर ये मैं नीचे ले गया हूँ। ये चेक कर सकते हैं, आए हाय 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 हाय, ये चेक करें, 10-12 गुड्डे काटे हैं, तो फिर मैंने इसको नीचे उतारा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी कोई गुड्डा वगैरह नहीं उड़ रहा, सारे नीचे चले गए हैं। सबको भगा दिया आपके भाई ने। मैं आपको पता नहीं, शुरू से बहुत बड़ा एक्सपर्ट रहा हूँ गुड्डों का, मैंने बहुत ज़्यादा काइट्स वगैरह काटी हैं। ठीक है, अभी भी मेरा गुड्डा एक भी नहीं काटा गया। एक ये है, आप देख सकते हैं, और दूसरा ये है। हम तो सुबह 8 बजे ऊपर चढ़ जाए ना, तो रात को 8 बजे नीचे जब उतरते हैं ना, तो गुड्डे हमारे पास 2 से 4 हो जाते हैं। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ काटे हैं, लेकिन किसी को चमोड़ा नहीं है, जिसे चमेड़ना कहते हैं ना, वो नहीं मैंने किया। ठीक है, आज सिर्फ हमने पेचे किए हैं। पेचे करने के बाद अब शाम हो गई है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि सब भाग भूग गए हैं, अब सुबह देखेंगे अगर उड़ाने हुए तो, वरना संडे के संडे हम उड़ाते हैं, वैसे अदरवाइज़ नहीं उड़ाते। क्योंकि आपको जैसा कि पता है, पंजाब पुलिस पांजा बड़ा हैवी फेर दिए ना इतने पिछवाड़े थे, इस वजह तो ना फिर डर खोफ में ना हम उड़ाते नहीं हैं। तो अभी क्वाइट्स वगैरह उतार ली हैं। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। जैसा कि आपको पता है, शाम हो गई है, तो जाके आगे देखते हैं, कोई खाना शाना खाते हैं या कोई मज़े के सीन आते हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। A few inches later. यार आपका भाई फाइनली घर आ गया। ठीक है, काइट्स वगैरह उड़ा के, जैसा कि आपको पता था रात हो गई थी। तो आज जो है ना, मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये चेक करें, हाय 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 हाय, ये चावल है,
ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये वाइट चावल है, ये टमाटर का वो मिक्सचर है, ठीक है, ये इसके अंदर जो है अदरक है और साथ थोम है, ये प्याज है, ये चिकन है, ठीक है। तो अभी ना बड़ी ही लेवल के किस्म की जो रेसिपी हम तैयार करने लगे हैं, ठीक है। ये सिलेंडर आ गया, आपको पता है जैसा कि पाकिस्तान में हम रहते हैं तो इसका जो है ना गैस वगैरह जो है ना वो नहीं आती है, ठीक है, तो टाइम के टाइम वो देते हैं, तो इस तरह फिर गैस चली जाती है तो फिर मजबूरी के तौर पे सिलेंडर वगैरह यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि आज आपके साथ हमने बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करनी है, ठीक है। ये मसाला वगैरह आ गया सारा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चावल है, इधर ये पतीला ऊपर रख दिया गया है, ठीक है। अभी इसके अंदर घी वगैरह डालना है, घी वगैरह डालने के बाद ये रेसिपी का काम जो है ना वो हो जाना है स्टार्ट, ठीक है। तो अभी जो सा ना आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ मज़ेदार रेसिपी आपके साथ हम शेयर करने लगे हैं, ठीक है। आज का व्लॉग बड़ा ही मज़े वाला होना है, आपने व्लॉग को बिल्कुल एंड तक देखना है, भाई को सपोर्ट करना है, भाई आपके लिए व्लॉग वगैरह लेके आता रहेगा। काम हमारा जो है ना बिल्कुल जारी है और इसको बड़े ही मज़े के साथ हम इसको इंजॉय भी करेंगे और साथ आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो मैं जैसा कि आपको पता है आ गया था घर, ये रेसिपी वगैरह भी कुछ तैयार करनी है और साथ ये आप पीछे देख सकते हैं, आज फिर थोड़ी बहुत आंख मचोली जो पीटीआई कारकुन वगैरह ना यहाँ से लाइट्स वगैरह ऑन कर लेते हैं, ठीक है। पीटीआई कारकुन वगैरह जो है ना आज फिर कोई आंख मचोली चल रही है वहाँ पे डीचों के ऊपर, जैसा कि आपको पता है वज़ीर आला KPK को गिरफ्तार किया हुआ है, उसका अभी तक अता पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो अभी मैं घर आ गया था, ये चेक करें क्या नाराज़ हो, तो ये भी खुशबाश हैं, ये नीचे भी हैं, क्या हाल है एमलो जी, लो लड़ाई शुरू कर दिया तुम लोगों ने, ओए ना मारो, वो कह रही है कि तंग ना करो, पीछे बढ़। तो गजब बेइज्जती है। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है अभी इधर रेसिपी जो है ना रेसिपी हमारी बिल्कुल अनकरीब पहुंच गई है। अभी घी डालना है इसके अंदर, ये आप देखें मेरा अभी घी डलेगा ऐसे, हाय हाय हाय, ये घी डल गया। इसके अंदर अब डालना हमने ये प्याज ब्राउन होने के लिए ना, ये प्याज नीचे पड़ा हुआ है ये ब्राउन होने के लिए डालना है, ये चिकन पड़ा यार, मैं ना असल में देसी चिकन खाता हूँ, ये देसी चिकन है इस वजह से बहुत कम है, आपका बंदा जो है ना भाई जो है ना बिल्कुल देसी है तो मैं खाता हूँ देसी चिकन। तो यार अभी ना इसके अंदर प्याज वगैरह ब्राउन करने जब करेंगे ना फिर आपको दिखाते हैं, वरना ब्लॉग हो जाता है लंबा, फिर आप बोर हो जाते हो यार, आपको मेन चीज़ें दिखानी होती हैं आपके भाई ने, तो थोड़ा सा वेट करें अभी प्याज डालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अभी ये बीच में हम प्याज डालने लगे हैं, ये चेक करें, ये सारे हाय 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 हाय, ये चेक कर सकते हैं, ये डल गए प्याज, ठीक है। अभी प्याज ब्राउन होने हैं फिर उसके बाद डालना हमने दूसरा मिक्सचर, अभी प्याज वगैरह ब्राउन होते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। तो यार जैसा कि तुम लोग देख सकते हो प्याज वगैरह ब्राउन हो गया, अब हमने इसके अंदर थोम और अदरक डालना है, जैसा कि तुम देख सकते हो ये इसके अंदर डल रहा है, अब इसकी बुनाई होगी, तो अब ये लहसुन अदरक डल गया, अब इसकी बुनाई वगैरह होनी है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो प्याज हमारा थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन हो गया, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद इसके अंदर हमने डालना है उसका क्या नाम है नमक मिर्च और साथ उसका क्या नाम है चिकन, फिर उसकी बुनाई करेंगे, ठीक है। बड़ा ही लेवल किस्म का हमारा ये बन रहा है मसाला, आप देख सकते हैं, चेक करें ज़रा, हाय 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 हाय, खुशबू भी बड़ी मज़ेदार आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ठीक है। अभी हमने इसके अंदर जो है ना हमारा देसी चिकन जो है ये देखें ज़रा, ये देसी चिकन डलेगा अभी इसके अंदर, ठीक है। थोड़ी देर बाद हमने इसको डालना है फिर वो भी आपको दिखाते हैं। तो यार जैसा कि तुम लोग देख सकते हो हमारा प्याज ब्राउन हो गया, ये हमारा चिकन आ गया, ठीक है, देसी मुर्गी का चिकन है, ठीक है, छिली मुर्गी का चिकन है ये, इसके अंदर अब चिकन हमारा डल रहा है, आप देख सकते हैं, हाय 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 हाय, क्या बात है, चेक करें ये, तुम्हें पता है देसी मुर्गी 5 किलो की भी हो ना जब उसको करते हैं ना तो थोड़ी सी रह जाती है, अब इसकी बनाई होनी है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, आय हाय हाय,
दिल कर रहे तो कहीं खा जाऊँ। तो यार इसकी बनाई शनाई करते हैं फिर तुम लोगों को दिखाते हैं। तो यार जैसा कि तुम लोग देख सकते हो बनाई काफ़ी ज़्यादातर ठीक हो गई है। अब हम इसके अंदर ना ऐड करेंगे मसाले, ये है नमक, ये जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ठीक है। अब इसके अंदर ना मसाले वगैरह ऐड होने हैं और ये आ गई हल्दी जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, चेक करो आए हाय 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 हाय। और ये साथ आ गई है मिर्च, लाल मिर्च जैसा कि तुम लोगों को पता है ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हमने डाला है हल्दी नमक मिर्च, अब इसको मिक्सअप करेंगे ठीक है। और ये जो है ना अब इसको मिक्सअप हम कर रहे हैं ठीक है। तो ये मिक्सअप हो रहा है आए हाय हाय हाय, यकीन करो ये जले जले प्याजों की जो खुशबू है ना दिल कर रहा है कढ़ाई के अंदर ही बढ़ जाऊँ, कढ़ाई के अंदर बढ़ के कढ़ाई अभी कच्ची खा जाऊँ। हाय 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 हाय। अब इसके अंदर ना थोड़ा सा हमने पानी ऐड करना है, यहाँ से पानी ले लेते हैं। जैसा कि तुम लोगों को पता मसाला वगैरह नीचे लग जाता है तो अब इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, ये चेक करें ठीक है। इतना सा पानी डाल के हम फिर बनाई करेंगे, क्या बात है क्या बात है। मेरा तो यार रेस्टोरेंट वगैरह होना चाहिए। तो अब इसकी बनाई शनाई होने देते हैं थोड़ी देर ठीक है। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ये बनाई शनाई इसकी हो रही है ठीक है। अभी इसके अंदर हमने ना ये हमारे पास जो टमाटर का मिक्सचर पड़ा हुआ है ये देखिए, ये टमाटर का मिक्सचर भी हमारे पास पड़ा है, ये भी डालना है ठीक है। मसाले वगैरह ऐड हो गए हैं, अब इसकी थोड़ी सी बनाई करते हैं। तो बल्कि अभी डाल लेते हैं, बनाई तकरीबन हो गई है ठीक है। टमाटर का मिक्सचर डाल लेते हैं, अभी डाल लेते हैं ठीक है। काफ़ी हद तक ना जो बनाई वगैरह हो गई है, अब टमाटर का मिक्सचर भी डाल लेते हैं साथ ही, ये चेक करें आए हाय हाय हाय। ये हमने पहले ग्राइंड स्टैंड करके रखा हुआ था, आए हाय 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 हाय, क्या बात है ब्लास्ट की। तो यार अब हमने इसको डाल दिया टमाटर के मिक्सचर वगैरह को भी अंदर, अब इसकी अच्छी तरीके से बनाई वगैरह करेंगे। बनाई वगैरह करके अब हम इसको मुकम्मल तैयार करके आपको इसकी शेप दिखाते हैं। A few moments later. हमने मिक्सर वगैरह सारा कुछ डाल दिया था तो अब ये तकरीबन रेडी होने वाला है। अभी इसके अंदर कुछ चम्मच चम्मच मारते हैं, आए हाय 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 हाय। अभी खा लिया यार, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो बड़ी लेवल की खुशबू आ रही है भाई, आए 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 आए। तो यार थोड़ा सा टाइम रह गया ठीक है, बिल्कुल टनाटन आखिर पे पहुंच गया है काम ठीक है। तो जैसे ही तैयार होता है तो फिर मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। फाइनली जैसा कि तुम लोग देख सकते हो तरी शरी ऊपर आ गई है, सालन हमारा तकरीबन नहीं 200% रेडी हो गया। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो बड़ा ही लेवल किस्म का चिकन बना है यार, हाय 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 हाय, दिल कर रहा है बीच में से निकाल के अभी खा लें। अब हमारे सिर्फ और सिर्फ रह गए हैं चावल, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ये पानी है। अब इसका हम ना जो है पानी ज़ाया कर देते हैं, भिगो के रखे हुए थे पानी हम गिरा देते हैं इसका। अब हमारे सिर्फ और सिर्फ चावल रह गए, तो ये चावल अब हम इसके ऊपर रखेंगे, ये पानी इसका सारा निकल गया है ठीक है। अब चावलों की बारी आ गई है, पानी वगैरह हमने इसका निकाल लिया। अब चावलों को ना जो उबाइल होने के लिए अब रखिए इसके ऊपर ठीक है। चिकन वगैरह हमारा रेडी हो गया, अब ये चावल इसके अंदर डाल देंगे, ये देख सकते हो तुम लोग ठीक है। तो अभी पानी वगैरह को थोड़ा सा ना उबाइल होने देते हैं, थोड़ा सा नमक शमक डाल देते हैं इसके अंदर ठीक है। तो उसका क्या मेन है, ये नमक बड़ा हुआ है इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, क्योंकि आपको पता है चावलों के अंदर थोड़ा बहुत नमक डालना होता है। तो ये नमक इसके अंदर डाल लिया हमने, चावल हमारे सिर्फ और सिर्फ रह गए हैं। जब चावल हम डालते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। तो यार तुम लोग देख सकते हो पानी को उबाला तकरीबन आ गया, अब इसके अंदर ना हमने डालने हैं चावल, ये देखें ज़रा, ये अब इसके अंदर डलेंगे चावल ठीक है। ये चेक करो आए हाय 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 हाय, ये चावल इसके अंदर डल गए ठीक है। इसके अंदर अब ये तकरीबन 10-15 मिनट तक ये हमारे चावल भी हो जाएंगे। तो सालन जैसे कि तुम लोगों को पता है कि वो रेडी हो गया हमारा, अब इसके अंदर जो है ना चावल डाल रहे हैं, तो इसको 10-15-20 मिनट लगेंगे। तो यार आजकल तुम लोगों को पता है आपका भाई घर से खाता है ठीक है, बाहर से इतना ज़्यादा नहीं खाता है, तो इसलिए ना लाइट सा घर बना लेते हैं एक टाइम पर। हम ये नहीं कि तकरीबन सुबह बनाया और रात तक वही चलता रहेगा, नहीं, यू नो आपका भाई टेस्ट वगैरह करता रहता है अच्छे
ठीक है, तो इस वजह से ना कम भी बनाते हैं। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, ये चेक करो, तकरीबन एक गिलास पानी है, ठीक है। तो अभी हम ना इसको चम्मच मार के थोड़ा सा हिला लेते हैं चावल ना, जो एक ही जगह पे जो है ना इकट्ठे वगैरह हो रहे हैं। तो अब इसको ना चावलों को ना थोड़ा सा चम्मच वगैरह बीच में लगा देते हैं, थोड़ा सा ऐसे ये चम्मच हम इसको लगा देते हैं थोड़ा सा। तो अब ये ना जैसे ही ये रेडी होता है ना सारा सामान वगैरह, तो फिर आपको मिलते हैं भाई। A few inches later. तो गाइस फाइनली चावल भी हमारे हो चुके हैं रेडी। हाय हाय सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ओए होए 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 होए, चेक करें गाइस, खिले खिले चावल चेक करें। हाय हाय हाय, तो चावल भी हमारे रेडी हो गए हैं, ठीक है। सालन तो ऑलरेडी रेडी हो गया, ठीक है। अब इनको ना जो है ना डालते हैं प्लेटों में, तो करते हैं फिर टैंकी के अंदर, तो फिर तुम लोगों को दिखाते हैं भाई। 2000 years later. तो यार आप देख सकते हैं ये हमारा चिकन है, ठीक है, ये चावल हमारे बन गए हैं, ठीक है। अब इसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं किस तरह का बना है, ठीक है। आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। आए हाय 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 हाय, चेक करें ज़रा गाइस, क्या बात है बोनस की। अब ना थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं, ये चिकन है, ठीक है। चिकन को हम डाल लेते हैं इसके ऊपर, तो टेस्ट करके मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ओए आजा, कितने भज रही है मुर्गी, लगता जिंदा होगी दोबारा। हाय 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 हाय, रंगत चेक करें एक दफ़ा ज़रा गाइस आप, तो मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ। मज़ेदार। तो यार खाना शाना मुकाते हैं, तो फिर मैं तुम लोगों को मिलता। तो यार आपके भाई ने खाना शाना डिनर शिनर पाड़ लिया है, खा नहीं लिया। जैसे मैंने खाई है ना 10-12 प्लेटें, मेरा पेट चेक करो। आए हाय हाय, लेवल की बनी थी यार, यकीन करो आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही लाइक करना, बहुत ही शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ओके, ठीक है। तो यार यहाँ पे मैं व्लॉग को कर रहा हूँ एंड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, न्यू व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, ठीक है, ओका फिर।